शांति। आज आप सभी को देख करके बड़ा हर्ष हो रहा है। गुजरात के कोने कोने से प्यारे बाबा ने आपके फीचर्स को देख करके आपका फ्यूचर बना दिया है। भाग्यवान हो ना। सभी बोलते भी नहीं है कि हमारे जैसा पद्मा पद्मपति भाग्यशाली कोई और नहीं है। कोई गुजरात का कितना भाग्य है, अपने भाग्य को देख रहे हो? भले गुजरात अन्य स्टेट से थोड़ा पीछे खुला हुआ है, परंतु उसके निमित्त डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा ने गुजरात में और उसमें भी अहमदाबाद में बाबा का सेवा केंद्र जरूर होना चाहिए। केवल कहा नहीं परंतु खोल दिया, बाबा ने खोला है। तालियां बहुत कम पड़ती है, माइक का आवाज तो सुनने में आता है ना। गुजरात का प्रथम नंबर का सेवा केंद्र जिसकी स्थापना करने वाला साक्षात स्वयं प्यारे शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा जो निमित्त बने, और कैसे अहमदाबाद के फुलवाड़ी को सबसे पहले सींचा, तत्पश्चात पूरे गुजरात में कैसे सेवा केंद्र खुलते रहे और कैसे वृद्धि होती रही, जो आज हम देख रहे। आपके ललाट को कहो, आपके मस्तक को कहो, देख करके बाबा ने आप सभी को अपनी गोद में ले लिया है, हमको एडॉप्ट किया। और एडॉप्ट क्यों किया, हमें जन्म दिया, नया जन्म मिला, दिव्य जन्म मिला, अलौकिक जीवन मिला, अलौकिक पालना मिली। बाबा ने देख लिया कि ये मेरे वो बच्चे हैं जो आज क्या थे और कल क्या बनने वाले हैं। जैसे मीठी मम्मा के लिए आप सभी ने सुना होगा कि मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती पहले पहले तो और सारी दादियाँ, कई दादाएं सब आ गए थे ज्ञान में, परंतु मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती लास्ट में आए, बहुत पीछे आए, परंतु उनको देख कर के ही, उनके फीचर्स को देख कर के ही प्यारे ब्रह्मा बाबा ने या शिव बाबा ने यही महावाक्य उच्चारण किए थे कि ये वही ओम राधे है, कल्प पहले वाली राधे है, जो भविष्य में राधे बनने वाली है। देखा, क्या देखा? उनके फीचर्स को देख करके उनका फ्यूचर क्या है, ये बाबा ने वर्णन किया था। जब हम आत्मा भी सबसे पहले माउंट आबू में होली के शुभ अवसर पर मुंबई जैसी मायावी नगरी में रहते हुए बाबा से होली मनाने जब गए थे,
तो प्यारे बाबा ने मुझे आत्मा को देख करके यही महावाक्य उच्चारण किए थे कि ये मेरी बच्ची क्या करेंगी, पहले ही बता दिया जो पूरे गुजरात को संभालती रहेंगी, पूरे गुजराती कुल का उद्धार करेंगी और बाबा ये देख रहे हैं बच्चे एक स्थान पर रहते हुए अनेक स्थान कैसे खुलते रहेंगे, वृद्धि होती रहेंगी, ये भविष्यवाणी पहले ही बाबा ने सुना दी थी। जबकि हम तो कुछ जानते नहीं थे, कुछ समझते नहीं थे, हमको पता भी नहीं था कि हमें क्या करना है। हम तो केवल मिलने के लिए, बाबा से ज्ञान सुनने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे और बाबा ने हमें फीचर्स को देख करके हमारा फ्यूचर क्या है, जो आज मालूम पड़ता है कि हमारा फ्यूचर कितना ऊंच और श्रेष्ठ था, जो भविष्यवाणी बाबा ने की जो आज कैसे सार्थक हो रही है और बाबा कैसे कार्य करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे को नहीं ढूंढ सके, मैंने तुम बच्चों को ढूंढ लिया। कोने कोने से बाबा ने ढूंढ करके और आज इतना बड़ा परिवार जो गुजरात का देख रहे हैं, ये देख करके प्यारे बाप दादा को भी, मीठी मम्मा को भी, सभी दादियों को भी, पूरे ब्राह्मण परिवार में कैसे सभी को बहुत खुशी हो रही है कि जो लास्ट में थे वो आज फास्ट और फर्स्ट जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही पहले माँ बाप क्या देखते हैं, यही देखते हैं कि ये बच्चा किसके ऊपर गया है। कोई के लिए कहेंगे ये माँ पर गया है, कोई के लिए कहेंगे बाप पर गया है, कोई के लिए कहेंगे इनकी बहन जैसा इनका नाक है, इनकी आंखें इनके भाई जैसी है, वर्णन करते हैं ना। तो आप सोचो कि हम किसके ऊपर गए हैं। आप अपना चेहरा देखते हो, साथ में किसका चेहरा देखना है, कि बाप समान हमारा चेहरा है, जबकि बाबा ने हमको जन्म दिया है, अपनी गोद में लिया है, हमको अपना बनाया है, तो आज मेरा देखना, बोलना, सुनना, सुनाना, बाबा कहते हैं ना मेरे समान है, बाबा समान है, दीकरो बाप पर गयो छे के कोना पर गयो छे, हैं देखो हम किसके ऊपर गए हैं। ब्रह्मा बाबा जैसे हमारे लक्षण है, हमारा उनका जीवन देखो कैसे बाबा ने प्रवेश किया और उनको अपना बना लिया, हमको भी बाबा ने कितने में अपना बना लिया है। किसी ने अपना बना के मुझको क्या किया, मुस्कुराना सिखा दिया है। आज का टॉपिक क्या है, जब से बाबा के बने हैं तो हम मुस्कुराते रहते हैं। पहले मुस्कुराना भी मुश्किल होता था, हंसो तो सही, हंसो तो सही बोलना पड़ता था, हंसना भी सिखलाना पड़ता था। और जब से बाबा के बने, किसी को पूछना पड़ता है क्या खुश राजी हो, कि सभी है खुश,
सभी राजी है कि कोई नाराज भी है? हैं, सभी खुश हो, खुशहाल? हमारे हाल कैसे हैं? हाल खुश है और चाल देवताओं जैसी है। दुनिया में एक दो से जब मिलते हैं ना तो पूछते हैं आपका खुशहाल क्या है, आजकल बहुत दिनों के बाद मिले हो, हाल अवाल कैसा है? हैं, तो हम बाबा के जब से बने हैं तो हमारा अंदर से क्या निकलता है, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, गाते हो ना, ये जीवन में क्या भर गई है, खुशियाँ भर गई है। कितनी अच्छी सुंदर प्यारे बाबा ने हमको जीवन दी है, सत्यम शिवम सुंदरम। हमें क्या थे, काले थे, बैंगन जैसे थे, कोई गुण नहीं थे। अभी बाबा कहते हैं तुम क्या बन गए हो, सुंदर, ब्यूटीफुल। ये ब्यूटी पार्लर सेंटर में आए हो ना, विशेष बट्टी के लिए आए हो, सुंदर बनने के लिए, जो भी दाग रहे हुए हैं उसको मिटाने के लिए बाबा आया है। सत्यम शिवम, सबका कल्याण करो, सबका मंगल हो, सब सुंदर हो। तो बाप अपने समान देखो हम बच्चों को बनाने आया है, जैसा मैं हूँ वैसा मेरे बच्चे हो। लौकिक में भी ऐसा ही माँ बाप की आशाएं होती है बच्चे में, मेरा बेटा मेरे कहे अनुसार करे, जो मैं बोलता हूँ उसी अनुसार वो चले, कदम कदम पर। कभी ऐसी बात न हो जो कभी कोई उल्टा काम हो जाए या उल्टा कार्य हो जाए, सोचते हैं ना ऐसा, मेरा नाम रोशन करे, मेरा नाम कभी बदनाम न करे। तो ये भी बाबा कहते हैं ट्रू कॉपी ऑफ ब्रह्मा बाबा। आ तो बिल्कुल बराबर है ना, बाप पर गयो छे। देखो कोई ऐसा आपको कहे कितनी खुशी होगी, पूरे बाप जैसे। हमको कभी अच्छी तरह से देखना पड़े, सोचना पड़े कि ये कौन है। तो बाबा कहते हैं हमारे सबसे पहले क्या बदल जाए, चेहरा बदल जाए। बाबा एक एक के चेहरे को पहचान लिया, 5000 साल पहले ये मिला था, अभी मिला है, फिर मिलेगा। बाबा हमारे क्या देखा, हमारे नैन चैन को देखा। हमारी यहाँ मुलाकात होती है तो कैसे मुलाकाती हुए, दृष्टि से एक दूसरे को पहचान जाते हैं। कभी कहाँ आपको देखा है, कभी हम आपस में मिले हैं, हमारी रूहानी मुलाकात है, हमारा मिलन जिसमें क्या समाया हुआ है। नेत्र हमारे दिव्य हो गए, अलौकिक हो गए। पहले लौकिक में देखते थे, शरीरों को देखते थे, अभी शरीरों को नहीं देखते, अभी किसको देखते हैं। बाबा कहते हैं हमारी दृष्टि बदल गई, हमारी वृत्ति बदल गई, हमारा नैन चैन बोलना सब बदल गया, परिवर्तन हो गया। तो बाबा कहते हैं कि तुम बाप समान बने हो। तो बाबा कभी बच्चों का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, किसके बने हो, भगवान के बच्चे। जैसे फूल कभी मुरझाया हुआ बाबा नहीं स्वीकार करते थे, है ना, बाबा उसी समय कहते थे बच्ची ये तो मुरझाया हुआ गुलदस्ता ले आई हो, मेरे बच्चे सदा खिले हुए चाहिए, मुस्कुराते रहे। कौन सा फूल पसंद करेंगे, मुरझाया हुआ फूल पसंद करेंगे, भगवान किसको स्वीकार करेंगे। मंदिरों में भी कैसे फूल चढ़ाते हैं, अक का फूल चढ़ाते हैं, ऐसे अक कड़वे फूलों को भी भगवान ने क्या बनाया है, मीठा बनाया है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फरिश्ते तो बाद में बनते हैं जब सभी रस्तों से फ्री हो जाते हैं,
जितने सारे रिश्ते हैं ना, सभी से तोड़ निभाते हुए, तोड़ना नहीं है परंतु जोड़ना भी नहीं है। और बाबा के जो बच्चे हैं, सच्चे बच्चे, पक्के बच्चे, तो बाबा कहते हैं कि कभी भी तेरे को क्या हुआ है ऐसा कोई ना बोले। हमारा चेहरा देख करके कोई हमसे ये पूछने आवे कि आपको क्या मिला है, आप इतने खुश कैसे दिखाई देते हो, जैसे बाबा कहते हैं ना कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो, गोप गोपियों से पूछो। तो हम कौन है? गोपी वल्लभ की हम गोप गोपियां हैं। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, क्यों क्यों आज इतनी खुश कैसे दिखाई देती हो, क्या मिला है आपको। परंतु अगर खुशी नहीं होगी, मुरझाया हुआ चेहरा होगा, तो कहेंगे ना आज क्या उलझन आई है, आज क्यों तुम मौज में नहीं हो। बाबा कहते हैं ऐसे प्रश्न उल्टे ना पूछे, सुलटे भले पूछे। तो कभी भी बाबा कहते हैं फूल मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता। बाबा को भी जिनका चेहरा ऐसा होता है ना, सदा हंसता हुआ चेहरा, सदा बेफिक्र बादशाह, ऐसे हो हैं जो बेफिक्र होंगे ना, जिसको फिक्रात होंगी उसकी रात भी फिक्रात में जाएंगी, नींद में नहीं जाएंगी, परंतु सारी रात कैसे आदि व्याधि उपाधि में बिताएंगे। हमारी रात में बाबा कहते हैं ना हमेशा अच्छी हो, ऐसी नींद आ जावे बाबा की याद में, योग में नहीं, कहीं योग में बैठती है और बड़ी अच्छी नींद आ जाती है, क्योंकि बहुत शांति मिलती है। कोई छोटे बच्चे भी नहीं है जो तंग करे, कोई ऐसी उलझन वाली बातें भी नहीं है जो नींद ना आवे, चिंता वाली कोई बात हो। बाबा कहते हैं चिंता नहीं, प्रभु चिंतन में रहना है। अभी वो प्रैक्टिस हो गई है, कोई चिंता होवे, यहाँ बैठे है और घर याद आ जावे, घर का क्या होता होगा, पता नहीं बच्चे ध्यान रखते होंगे या नहीं रखते होंगे। बाबा कहते हैं ना तुम मेरे में ध्यान रखो तो मैं तुम्हारा सब कुछ ध्यान रखूंगा। देखो जिम्मेवारी ली है ना, हमारे सारे घर की चिंता हमें करने की दरकार नहीं है, बाबा के भरोसे। एक बाबा को सब सौंप दिया है, कहते हैं ना जिसका था उसको दे दिया है, उसको संभालने के लिए कह दिया है, फिर हमें चिंता क्यों हो। इसलिए बाबा कहते हैं कभी ना यहाँ तीन रेखाएं निकल आए, त्रिशूल, बाबा उसी में कहते थे शंकर को त्रिशूल दिया है, परंतु उसके बजाय हमारे मस्तक में कभी क्या तीन रेखाएं दिखाई देती है। कोई भी ऐसी बात चिंता की आती है ना तो त्रिशूल चढ़ जाता है। तो कभी भी इन सभी चिंताओं से मुक्त होना है। बाबा पर अटूट विश्वास, एक बल, एक भरोसा, जिसका है वही इसको संभालेगा। तो इसलिए कभी भी हमारा तीन रेखाएं या हमारा त्रिशूल खड़ा हो जाए, कोई को लगे ये चिंता में है, कुछ सोच रही है, सोच कोई भी प्रकार का ना चले, बाबा कहते हैं ना सब सोच मेरे को दे दो। देखो मैं तुम्हारी जितनी भी मन की कामनाएं है ना, तेरी जो भी दिल की बातें हैं बाबा जानते हैं, बाबा सुनते हैं, बाबा देखते हैं। अगर अटूट विश्वास है तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सब कार्य पूरे हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा को कौन से बच्चे हैं, बाप मिला फिर फिक्र क्यों, फकूर में रहो, फकूर समझते हो, नशे में रहो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं बड़े घर की बहू हूँ, कितना नशा चढ़ता है, मैं बड़े ऊंच कुल की बहू हूँ, बेटी हूँ, बड़े रॉयल घर की हूँ, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, देखो कितना नशा चढ़ता है, अंदर में आता है।
बाबा कहते ये सोचते हो मैं कौन, मेरा कौन, ऐसे मेरा कोई नहीं, ऐसा नहीं है बहुत, जैसे मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। अरे मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिमान, हजार हाथ वाला मेरे साथ है। फिर मुझे क्या चिंता है? मुझे कोई है चिंता, कोई फिक्रात? तो कभी भी बाबा कहते हैं ना, हमारा हंसना छूट जाए, गम में आ जाए, संगम, ये संगम किस लिए हुआ है? बाबा के साथ जो हमारा संग हुआ है, हमारा गम दूर हो गया। कि अभी गम रहता है, हाँ मेरे जितना मेरे सिर पर दुख है ना, उतना किसी को भी नहीं है। ऐसा तो नहीं सोचते हो कि दुख हरता ने हमारे सारे दुख हर लिए? हर लिए कि नहीं हर लिए है? सब बोलते नहीं है, नशे से बोलो, खुशी से बोलो, हाँ बाबा मिला, गम गया, हाँ गम दूर हो गया, मिलन हुआ, मेले में आए। मेले में किस लिए जाते हैं? आमोद प्रमोद, खुशी के लिए, हाँ खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मेले में क्या करते हैं? तो ये बाबा भी आप सभी को कहाँ ले आया है? देखो हमेशा बाबा कहते हैं, नैन भी आपके, हाँ कभी देख करके कोई घबरा जाए, कोई डर जाए, इनकी आँखों को देख के मुझे डर लगता है, डरावना चेहरा हो, नहीं, सदा हमारा चेहरा ऐसा हो, कोई हमसे हाँ डर जावे, कोई को भय लगे, हाँ मैं इनके सामने नहीं जा सकती हूँ, नहीं, हमारा चेहरा कैसा हो? निर्भय। शेरनी शक्तियाँ, देखो शक्तियों के चित्र कैसे हैं, पांडवों के भी ऐसे, ऐसे नहीं पांडवों को फ्री है, छूट है, शक्तियों के निर्भय थी, नहीं। हमारा चेहरा, बाबा कहते हैं ना, अभी चेहरे से सेवा करनी है, ये चेहरा सब कुछ बताता है। मम्मा के भी चेहरे से बाबा को मालूम पड़ा कि ये तो वही राधे है। देखो इतनी सब दादियाँ पुरानी आ गई और कितने भाई बहन आए, बाबा ने मम्मा को देख के ही उनका भविष्य बता दिया, उनका फ्यूचर कितना उज्जवल था, ये कौन बनने वाली है, ये क्या बनने वाली है। जैसे हमको पता था कि अब मैं क्या बनने वाली हूँ, कि मुझे क्या करना है, पूरे गुजराती कुल का उद्धार करना है। बच्ची एक सेंटर पर रह कर के सभी सेंटरों पर चक्कर लगाती रहेंगी, जबकि एक भी सेंटर मुश्किल से मकान मिला था, अजन बाबा ने तार करके बुलाया था, परंतु बाबा की इतनी उम्मीदें, जानता था बच्ची का रोल क्या है, बच्ची का पार्ट क्या है। हम तो यही कहते थे, बाबा इस इंस्ट्रूमेंट द्वारा, ये साधन है, इससे आपको जो सेवा करानी है आप कराते रहो, हम आपके सन्मुख है, हम आपके आगे है, है ना, अपने को बाबा के आगे खड़ा कर दिया है, अब बाबा जो इस तन द्वारा सेवा कराए। तो आज हम देख रहे हैं कि देखो गुजरात का भविष्य बाबा के सामने, कितने सालों पहले, 54 साल हम को ज़्यादा हुए होंगे तब बाबा के आँखों के सामने ये दिखाई पड़ता था, और हम आज देख रहे हैं, कमाल की बात है ना। अभी भी मैं आपको प्यारे बाबा के पत्र दिखा सकती हूँ कि क्या क्या बाबा ने लिखा था। हमें अपना भविष्य मालूम नहीं था, परंतु बाबा ने हमारा भविष्य देख लिया था। हमारे ललाट पर जो लिखा हुआ होता है ना, ज्योतिष तो देखते हैं, ज्योतिष तो लिखते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, हाँ कहीं ऐसी भविष्यवाणी करने वाले वो भी सुना देंगे, बता देंगे, परंतु ये तो भाग्य विधाता ने हमारा भाग्य कितना उज्जवल बना दिया। तो आज हमारा भविष्य आप प्रैक्टिकल में हम भी देख रहे हैं, आप सभी भी देख रहे हैं, है ना। आज का टॉपिक क्या है? फ्यूचर से खुशनुमा फ्यूचर,
खुश हो रहे हो ना अपने फ्यूचर को देख करके, हैं? बहुत हम खुश होंगे सत्युग में, तो खुश होंगे, हैं? कोई दुख नहीं होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हैं? नाचते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, हैं? बाबा कहते हैं यहाँ भी गाओ, हैं? झूमो, हैं? झूमते रहो, झूम झूम के नाचो, आज कहते हैं ना, गाओ की खुशी के गीत, खुशी के गीत गाओ, हर एक को खुशी खुशी से सुनाओ। खुशी क्या है हमारी, बाबा कहते ना, सब लूट जाए तो भले लूट जाए, डेवाला मार दे तो मार दे, परंतु खुशी गुम नहीं होनी चाहिए, हमारी खुशी कभी गायब ना हो। एक छोटी सी बात, कोई ने मुझे एक शब्द कहा, कुछ बोला, कुछ कहा, तो मुझे क्या होता है, मेरी खुशी गायब हो जाती है, गुम हो जाती है। फिर उस खुशी को पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पहले जैसी खुशी मेरे जीवन में अब नहीं आ सकती है। कोई कितना भी करे, कोई कुछ भी करे, अरे उल्टी सीढ़ी क्यों चढ़ गए, इतना सीढ़ी ऊपर चढ़े और आज आप क्या बोलते थे, हमारा जीवन ही खुशियों से भरा हुआ है। मैं वो गोप गोपी हूँ और आज क्या हो गया, बाबा कहते हैं गोप गोपियों को क्या हो गया। तो इसलिए हमें किसको संभाल के रखना है, ये खुशी को संभाल करके रखना है। हम और चीज़ों को सबको हम संभालते हैं, बाल बच्चों की संभाल करेंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु उन सभी को संभालते हुए भी कभी हमारी खुशी गम में न बदल जाए। बाबा कहते हैं ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खावा, बीबी मरे तो भी हलवा खावा, कुछ भी हो जाए। देखो आज ब्रह्मा बाबा की बेटी को आप सभी ने देखा भी होगा, और बाप दादा को मिलने के लिए हमारी दादी आती थी, आप देखते हो ना, ब्रह्मा बाबा जैसी आपकी भी कितनी ऐसी ही रॉयल, उनका भी व्यक्तित्व कितना न प्रभावशाली है। ब्रह्मा बाबा की बेटी इस जन्म में भी देखते हैं कि वो रॉयल्टी गई नहीं है, वो रियलिटी गई नहीं है। और एक बारी परदादी ने अपना अनुभव सुनाया था हमको कि मैं ज्ञान में आई ना तो मुझे रोना आता था, अज्ञान काल में बाबा ने ऐसे रखा था, कभी रोना आंसू नहीं आए, आंसू 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 करो छो, कहते हैं ना आंसू नहीं आना चाहिए, सू आ उसको देख करके ये लोग क्या कहेंगे, भगवान आपको मिला है, गोपी वल्लभ आपको मिला है और आपको आंसू आ रहे हैं, कौन कहेगा आपको भगवान मिला है, आप तो रो रही हो। तो बाबा ने कहा ये इंसल्ट हो जाएंगी, ये बदनामी हो रही है, बाबा का नाम आप बच्चे रोशन नहीं कर रहे हैं, बाबा ने रोना छुड़ा दिया, हम बच्चों को हंसना सिखलाया है, सदा चीयरफुल कैसे रहे, हमारा चेहरा कैसा हो, प्रफुल्लित प्रसन्न चित, सदा आनंद में। विष्णु को दिखाया है ना, शेष संया पर लेटा हुआ है, और कहते हैं निजानंदम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद में रहता है वो। लक्ष्मी जी कोई चरण दबा रही है उसके आनंद में नहीं था, वो सच्चे आनंद में था, सच्चे खुशी में। हम तो पांच विकार हमको दबा के जाते हैं, हम उसके दबाव में आ जाते हैं, परंतु विष्णु ने पांचों को, शेष नाग को देखो, पांचों को दबाया हुआ है, सांपों को दबा करके अपने दब दबे में सोया हुआ है। सांप का कोई डर भय नहीं, ये विकार क्या है। तो सदैव आनंद में रहना है, प्रफुल्लित रहना है, खुशी में रहना है। तो निर्मल शांता दादी ने कहा कि बाबा मुझे ऐसा होता है, आप कुछ कहते हो ना तो मुरली चलाते चलाते या मेरा नाम कभी ले लेते हो ना तो मुझे बहुत ख्याल आ जाता है, मुझे बहुत दुख होता है कि आप बेटी का नाम लेते हो तो सभी क्या सोचेंगे, क्या ब्रह्मा बाबा की बेटी ऐसी है
जो ऐसा करती है। तो बाबा ने कहा नहीं, देखो एक बच्ची कहावत है कि कोई भी बात बहू को सिखलानी होती है तो किसको बोलना होता है, बेटी को बोलना पड़ता है, बेटी का नाम लेना पड़ता है। तो तुम्हारा नाम बाबा इसलिए लेते हैं औरों को कैसे सिखलावे। तो कहा बाबा आप मेरा नाम लेके औरों को सिखलाते हो, पर मेरे लिए लोग क्या सोचेंगे कि ये सीखी हुई नहीं है। तो कहा बाबा इसलिए मेरे आँख में आंसू आ जाते हैं, अज्ञान काल में तो आपने ऐसा लाड कोट से प्यार से मुझे पाला बड़ा किया तो बहुत मैं खुश रहती थी, परंतु अभी आंसू आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, आज से बच्ची बाबा तेरा नाम नहीं लेगा। कहा नहीं बाबा, इस कल्प में तो आपकी मैं बेटी बनी हूँ ना, दूसरे कल्प में मैं आपकी बेटी कभी नहीं बनूंगी। देखा बाबा को ऐसे हंसी हंसी में कह दिया। बाबा ने कहा ये तो बच्ची तुम ना कहो या हाँ कहो, ये तो कल्प कल्प की बाजी है, तुम मेरी बच्ची बनोगी और मैं तेरा बाप बनूंगा, ये कल्प कल्प का ड्रामा फिक्स है, ये नीचे ऊपर नहीं हो सकता है ना। तो बाबा ने उस दिन से लेकर के कहा कि रोते कौन है बच्ची, रोते कौन है बच्ची, ऐसे ऐसे उनको बहुत समझाया। जो विधवा होती है वो रोते हैं, जिसका कोई नहीं होता है वो रोते हैं, तुम्हारे तो सबको ही है, अनेक है, तुम क्यों रोती हो। का ऐसे ऐसे समझा के जैसे बाबा ने मेरे नल का कनेक्शन यहाँ से काट डाला, यहाँ से गंगा जमुना कहाँ बहती है, जिस देश में तो गंगा जमुना यहाँ से बहती है, नीचे आती है ना। तो ऐसे ऐसे प्यार से समझा के बाबा ने कहा वो दिन आज का दिन कभी आंसू नहीं आए। तो उस पर से कहा कि ब्रह्मा बाबा ने परदादी को, जिसको परदादी भी कहते, निर्मल शांता दादी भी कहते, पालू कहते थे, तो बाबा ने उनको पूछा कि देखो मेरी बीबी मुंबई में जिसने शरीर छोड़ा, और तेरी अम्मा बोल बेटी मैंने नहीं रोया, तूने रोया। तो कहा बाबा आपने नहीं रोया, मैंने भी नहीं रोया, मैं भी पास हूँ। तो ये बाबा तब सुनाते थे अम्मा मरे तो भी हलवा खावा, सचमुच हलवा नहीं बनाना है परंतु बीबी मरे तो भी हलवा खावा। माना कोई भी सीन हो, कैसी भी बात हो, चाहे गम की बात हो चाहे खुशी की बात हो, हमें हर परिस्थिति में है ना, कितनी भी परिस्थिति कैसी भी हो, संजोग कैसे भी हो, परंतु हमें ये पक्का वायदा बाबा से करना है कि मैं मेरी खुशी को कभी गुम नहीं होने देंगे। लोगों की तो खुशी चली जाती है तो भी गम होता है, सीट चली जाती है क्योंकि सेट नहीं है, कभी भी उथल पुथल हो सकती है, कभी भी नीचे ऊपर हो सकती है, तो उन्हों को खुशी गुम हो जाती है। कुर्सी गुम हुई तो खुशी भी गुम हुई। बाबा कहते हैं तुमको तो बाबा ने अपसेट नहीं होना है, ऊपर सेट होके रहना है, हमारा बुद्धि का योग कहाँ हो, बाबा के साथ जुड़ा हुआ हो। तो हमारा अपसेट होंगे तो क्या होगा, जीवन की भी सेटिंग नहीं होगी। हम हंसी में कहते हैं कि हम घर में सोफा सेट आ गए, डाइनिंग सेट आ गया, टीवी सेट आ गया, सारे सेट आ गए, मैं सेट हूँ, मैं अपसेट हूँ। आजकल घर में क्या है, मेरे जीवन की सेटिंग है, मेरे माइंड की सेटिंग है। हमारा मन अगर बाबा में सेट नहीं हुआ है, उसको सीट पर सेट नहीं किया है, मन को कहाँ बिठाना है, मन को कहाँ लगाना है, मन को किस में लगाना है। बाबा कहते हैं ना ये तुम बच्चों को अटेंशन रखना है ना। तो जब वो हमारी सेटिंग हो जाएंगी तो लाइफ में कितनी भी बातें आएंगी। मम्मा कहते हैं न कभी आवेश आवे, न कभी एक्साइट होवे, न कभी मूड ऑफ होवे। जिसका मूड ऑफ होता था ना, बाबा कहते थे ये तो मूडमती है, बाबा उनकी शक्ल नहीं देखते थे। हमारी शक्ल ऐसी हो, अकल तो बाबा ने बहुत दी है पर शक्ल हमारी कैसी है, कितना अच्छा ज्ञान मिला है, कितना ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान मिला है, कितनी ऊंची समझ मिली है,
और फिर भी बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे खुश न रहे, तुम्हारा चेहरा खुश न हो, कैसे कोई बाबा का बनने के लिए तैयार होंगे? और वो नहीं बनेंगे उसके जिम्मेवार कौन? बाबा कहते हैं ये आपके ऊपर सारा बोझा चढ़ेगा। कोई ज्ञान से वंचित रह जाता है, कोई ऐसी जीवन नहीं बनाता है तो उसके निमित्त कौन बने? अभी भी घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं ना, किसको पता पड़े चेहरे से कोई बड़े घर का है, कोई रॉयल घर का है, कोई ऊंचे कुल का है, हमारी आँखें देखे, हमारा मुस्कुराना देखे। बाबा हमेशा कहते थे बड़े घर के लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं। मम्मा हमको सिखाती थी कि उनके मैनर्स क्या होते हैं। हा 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 ही, बड़े आवाज़ से ज़ोर से हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, उनका मुस्कुराना होगा। अज्ञानियों के तरह तुम बच्चों का हंसना, मुस्कुराना, आवाज़ से हमको ये दिव्य गुणों की लिस्ट देते थे। शुरू शुरू में जब हम आए, हमारा चलना ऐसा हो जो जूते का भी आवाज़ ना आवे, इतना शांति से चलना है। धम धम धम, किसको मालूम पड़े चप्पल का आवाज़ आवे, घसीटते हुए ले जाएंगे, जूते का आवाज़ आए जैसे रावण आया, मम्मा के कोई क्या कहेंगे, हमारे मैनर्स कैसे हो, हमारे अंदर कोई विकार ना आवे, है ना। तो चलना, उठना, बैठना, बोलना, सोना, कैसे सोते हैं, कुंभकर्ण के तरह नहीं? देखो उनको जगाने में भी कितना टाइम लगता है, हमारी नींद कैसी हो, पूरी रात हम जागृत रहे, करवट बदले तो भी बाबा की याद आवे, सोए तो भी बाबा की नींद में। इतना कोई देवता सोया है, बाबा कहते हैं ना ऐसा लगना चाहिए, हमारा चेहरा देख करके श्री कृष्ण को भी दिखाते ऐसे लेटा हुआ था, कहा ना एक तरफ अर्जुन एक तरफ दुर्योधन, कैसे देखो बाजू पलटते हैं तो भी कैसे, कितनी उनमें दिव्यता, अलौकिकता। आज भी बाबा कहते हैं ना, देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, शक्तियों के दर्शन करने जाते हैं, क्या है उनके चेहरे पर, मुस्कुराहट। उनके जीवन में अभी भी दर्शन करने का मन होता है, हमारा कोई दर्शन करने आता है, और दर्शन करने जैसा हो तो ना, दर्शनीय मुहूर्त है, हर एक हमारा चेहरा देखना चाहे। बाबा कहते हैं ना तुम ऐसी दिव्य आत्मा, तुम्हारे जीवन में अलौकिकता, लौकिकता नहीं, सबसे बड़े से बड़ा परिवर्तन क्या है, फरिश्तों जैसी चाल, मूवी में बोलना, बात करे तो भी, मम्मा कहती थी दो बोले तो तीसरा ना सुने, एक दूसरे के कान में सुनाओ, ऐसे नहीं जोर जोर से बोलो जो सब सुनते रहे, हर एक को सुनाने की व सुनने की जरूरत भी नहीं है, और सभी के लिए हम जोर जोर से बोले नहीं, बहुत इधर आओ तो कानों में सुना दो, मम्मा हमको सिखाते थे, किससे बात करनी है तो भी कैसे करनी है ना। बाबा अभी हम बच्चों का वो स्वरूप देखना चाहते हैं, हमारी जो सेवाएं अभी रही हुई है, बाबा रोज कहते हैं ना सेवाएं कैसे होंगी, तो चेहरे से, हमारी चलन से, अभी तो कहते हैं कोई भी देवता बना हो ऐसा लगता नहीं है, क्यों ऐसा कहते हैं, है ना। देवताएं मीठे थे, देवताएं बड़े प्यारे थे, बाबा कहते हैं ना हम एक दूसरे से इतना प्यार हो, इतना प्यार हो, जो दादियों के लिए भी कहते हैं ना कि दो दिल नहीं दिल एक, दो शरीर भले हो, हर एक के साथ बाबा कहते हैं तुम्हारा बड़ा स्नेह, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बातें हो जाए, बातें बातें हो जाएंगी, परंतु हमारा इतना अटूट प्यार रहे, अटूट संबंध रहे, हर एक के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। जो परमार्थी होंगे ना, उनके अंदर ये सारा परिवर्तन आ जाएगा।
मुझे क्या करना है। तो इसलिए हमारा फ्यूचर, कई बच्चों को देखते हैं माताएं, कोई कोई बच्चे को ले आती है ना, उनकी आंखें देखते हैं, हाँ अभी एक गए थे तो इतनी छोटी बच्ची डांस करती थी, इतना शौक, ब्रह्मापुरी कोई अगले जन्म के संस्कार ले आई थी। कहते हैं ना माताएं बच्चों को ले आती है, मालूम पड़ता है कोई, हाँ अमृत वेले योग करेंगे। आज मुझे कोई ने सुनाया वो चिंता वाला फोटो है ना, मैं बैठा हुआ हूँ, बच्चे तू चिंता मत कर, जैसे बच्चा खुद छोटा सोता है ना तो वो फोटो को भी सुला देता है, बाबा को भी चादर डालता है। बोलो इतना बाबा, हाँ बाबा बाबा करते रहते हैं, उनको प्यार करते रहते हैं। बाबा हो ना आप, रात को भी बेज पहन के सोएंगे, ये क्या है। बच्चे है परंतु उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा देखो मालूम पड़ जाता है ना। ये कोई गई हुई आत्माएं हैं, ये बहुत कुछ कार्य करेंगे। ये बाबा की बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको देख करके हम क्यों बोलते हैं। बाबा कहते हैं ना तुम्हारा फ्यूचर, हाँ भविष्य तुम्हारा क्या है दिखाई पड़े। बाबा को जैसे दिखाई पड़ा कि ये बच्ची भविष्य में माला का दाना बनेगी या अष्ट में आएंगी या 108 में आएंगी, किस में आएंगी। हाँ देखो हम एक दूसरे को भी पहचान जाते हैं, हाँ कि छोटे बच्चों को कमाल करते हैं। बाबा कहते हैं बड़े तो करते हैं परंतु छोटे बच्चे ये कुछ बनने वाले हैं, बाबा के ही है। तो बाबा कहते हैं आज का टॉपिक याद रहे, क्या याद रहे, हाँ क्या आज का था, हाँ बोलो बोलो याद है जी। फीचर्स एक एक हमारे नैन कमल, हस्त कमल, पाद कमल, हाँ देखो एक एक कमल 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 क्यों कहते हैं, हाँ सब कमल जैसे हो, आंखें भी कैसी हो, हाँ चेहरे में क्या दिखाई पड़ता है। बाबा ने नैन बदली कर दिए हमारे, हाँ इतनी दृष्टि बदल गई, वृत्ति बदल गई, सब पवित्र हो गया। पाद कमल, हस्त कमल, नैन कमल, हाँ मुख कमल, देखो मुख से बच्चे पैदा हुए, जो पैदा हुए वो कैसे कौन बने, ब्रह्मा मुख वंशारी। तो हमें अपने इन स्थूल इंद्रियों को भी बाबा कहते हैं ना क्या करना है, हमारा जीवन तो कमल पुष्प समान बने, अलिप्त रहे, न्यारे रहे, प्यारे रहे, घर संसार में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहे। वैसे एक एक इंद्रियों को भी अब सब कुछ बदल जाए, तब बाबा कहते हैं कि कोई सामने से आपको पूछने आए कि आपको क्या मिला है, आपको कौन मिला है, अभी कोई पूछने आया है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का नाम लेती है, मेरी प्रत्यक्षता नहीं हुई है, बाप का नाम अभी नहीं लेते, बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई है, बच्चों की प्रत्यक्षता हो गई है। तो अभी ये रहा हुआ कार्य हम लोगों को पूरा करना है। वो कैसे पूरा करेंगे, पहले पहल कौन करेगा, ये पहली भट्टी वाले पहल करेंगे, कमाल करेंगे, कुछ ऐसे दृढ़ संकल्प करके जाएंगे जो कार्य आज दिन तक गुजरात में नहीं हुआ है, जो रहा हुआ है। ये आवाज़ बुलंद कहाँ से होना चाहिए, गुजरात से होना चाहिए। पहली भट्टी भी बताया ना गुजरात की है, और तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप भी बनाया है जिसमें बहुतों ने अपना नाम दिया है, और ये तीव्र पुरुषार्थ का बुलेटिन भी सबको भेजा गया है। सभी को इस पर पुरुषार्थ करना है, कोई भी कर सकता है। तो बाप को प्रत्यक्ष करने में हमारा नाम प्रथम हो। सुना सब कहे अहो प्रभु तेरी लीला, भगवान की लीला का गायन करे जो आपने हमको मिला दिया। आपसे जिसका भी मिलन हो ना, यहाँ से जाने के बाद जिससे भी मिलन हो उनको क्या अनुभव हो, आपका बदला हुआ लाइफ, आपका फ्यूचर, ये तो कोई ऐसे रॉयल घर के है, रॉयल परिवार के है,
उनको दिखाई पड़े। बाबा कहते ना वो जलवा दिखाना है, करेंगे ना ऐसी कमाल, कमाल करेंगे, कमल कमाल करेगा, हैं? कमल पुष्प समान है ना, आज कुमार और कुमारियों को तो अलग कर दिया है। तो न्यारे प्यारे आप हो, जीवन मुक्ता आप हो, ट्रस्टी समान आप हो, हैं? आज उन्हों का विशेष मीटिंग रखी है यहाँ दीदी के साथ, हैं? उन्हों को और क्लासेस मिल रहे हैं कि क्या करना है कुमार कुमारियों को, हैं? तो इसलिए समय हुआ है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मुझे 12:30 कहा था आप सभी को फ्री करने का, तो सभी बातों से फ्री होके आज से फ्री भी रहे और फ्री न भी रहे, इतना बिजी रहे, इतना बिजी रहे जो कुछ और सोचने का टाइम भी न रहे। हम बहुत बिजी रहते हैं परंतु बड़े फ्री रहते हैं, ये बाबा ने सिखाया है, हैं? बिल्कुल माइंड फ्री रहता है, यहाँ आए तो यहाँ की बात, घर में रहे तो घर की बात, चाहे सारे गुजरात में भ्रमण करे या विश्व में करे या कहाँ भी चक्कर लगाते हुए, बाबा कहते ना चक्करों में न रहे, टक्कर में न रहे, जानकी दादी कहती है ना चक्कर न टक्कर, परंतु स्वदर्शन चक्र, विष्णु के समान बाबा कहते हैं ना बनना है, फरिश्ता बनना है, देवता बनना है, तो सदा ये सुदर्शन चक्र फिराते रहे, विष्णु के समान सभी अलंकारों को धारण करते हुए सुसज्जित रहते हुए श्रृंगारा हुआ, अपनी मूर्ति को सदा श्रृंगारे हुए रहो, कोई अलंकार आपसे न छूटे, सब बाबा ने गहने आभूषण पहना दिए हैं, ऐसे सदा बाबा कहते हैं ना श्रृंगारी हुई मूर्ति अपने को सजाया हुआ, बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए जो सदैव साक्षात्कार कराने के लिए एवर रेडी रहे। बाबा ने कहा मुझे अभी एवर रेडी ग्रुप चाहिए जो 108 की माला में आवे, वैजंती माला में आवे, ऐसे विजयी रत्न मुझे चाहिए, हैं? तो आप आएंगे ना विजयी रत्न, बनेंगे ना विजयी, बोलते नहीं है कोई, बोलते नहीं है, भूख लगी है इसलिए अब आवाज़ भी नहीं निकलता है, हैं? तो अभी अधिक समय न लेते ये पहल शुरुआत हम लोगों से हुई है, हम भी आपके साथी है, आपके साथ में है, हैं? और ऐसा आज दृढ़ निश्चय, बाबा कहते हैं ना तो सफलता को अवश्य पाएंगे, एक एक इंद्रियों को भी सफल करो, नहीं तो इंद्रियां भी समय पर काम नहीं देंगी, जो इंद्रियां जिस कार्य के लिए मिली है उसको उसी कार्य में लगाएंगे ना तो आपकी इंद्रियां भी सफल होंगी, नहीं तो देखते हैं कान सुनाई नहीं पड़ता है, आँखें कभी देखो नैन दिखना बंद हो जाता है, कब देख नहीं पाएंगे, देख रहे हैं टांगे बाज कब चलेंगी नहीं, समय आएगा तो ये शरीर भी साथ नहीं देगा, जवाब दे देगा, जितना शरीर साथ देता है बाबा कहते हैं अब कमाई जो करनी है वो कर लो, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे, है ना? जितना एक एक इंद्रियों को भी सफल करना चाहो कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं चाहेंगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, विपरीत परिस्थितियां होंगी, दुनिया के आसार भी देखेंगे, तो इसलिए अब सार वाले संसार में जाना है तो ज्ञान का सार बुद्धि में रखो। अर्जुन को भी कहा ना मन मना भव तो मध्याजी भव, हमारा फ्यूचर ये है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, देखो घड़ी घड़ी फ्यूचर याद रहता है, मैं इस पढ़ाई से क्या बनने वाला हूँ, वो ड्रेस याद आएंगी, वो व्यक्ति सामने आएंगे, क्या उनका पोज होगा, क्या उनकी पोजीशन होगी, हम भी उस पोज को याद करें, उस पोजीशन में रहे, मैं ये बनने वाला हूँ, मेरा भविष्य सबको स्पष्ट दिखाई दे। समझ नहीं आता है आप ब्रह्मा कुमारियों का फ्यूचर क्या है, क्या कहना चाहती है,
क्या करना चाहती है, अरे हमारे को देखे ना। तो जैसे शुरू शुरू में ऊपर से मनुष्य नीचे गिरे और क्या हुआ, कोई देवता बन गए, कोई देवी बन गई, कोई राजकुमार बन गया, कोई राजकुमारी बन गई। बाबा ने बताया मेरा ये लक्ष्य है ऐसी दुनिया बनाना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी अभी सारे विश्व को दिखा दो कि ऐसी दुनिया हम स्थापन कर रहे हैं, इसमें आप भी सब सहयोगी बनो, योगी बनो, अपनी अंगुली दो, अपना सहभागी बनो, उज्जवल भविष्य बनाओ, यही सभी को संदेश देना है। ओम शांति। तो आप सभी ये संदेश देने का कार्य जोर शोर से करेंगे और बाबा की आशाओं को, बाबा के इन महावाक्यों को अपने जीवन में साकार करने में प्रथम नंबर लेना, विजयी भव। दीदी भी वरदान दे रही है, आप सभी को दुआएं आशीर्वाद दे रही है कि आप सभी विजयी बने। गुजरात जिसकी रात गुजर जाए, जो बीता वो गुजरा, अभी क्या करना है, आज से नयापन नवीनता, करो कमाल और क्या करो, कमाल करके कोमल नहीं कमल जैसे बन करके दुनिया वालों के लिए आदर्श बन के दिखा दो, हम क्या बन रहे हैं। ओम शांति है।